एसडीआरएफ उत्तराखंड उच्च प्रशिक्षित और प्रेरित पेशेवरों का अत्याधुनिक खोज एवं बचाव उपकरणों से सुसज्जित बल है, जो आपदा के समय त्वरित कार्रवाई कर महत्वपूर्ण जिंदगियों और संपदा की रक्षा को समर्पित है। चुनौतीपूर्ण अभियानों से अपने दृढ़ निश्चयी स्वभाव को बनाए रखते हुए अंडरवाटर ड्रोन, सोनार और स्कूबा जैसी आधुनिक तकनीकों से पानी की गहराइयों को छानते हुए दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी रोप लॉन्चर और टेरोलियन टेवर्स से रास्ते बनाते हुए हमारे प्रशिक्षित, अनुभवी और साहसी जवानों ने बल के संगठन के 5 सालों में अपनी योग्यता और बेहद आधुनिक साधनों की मदद से उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में राहत और बचाव अभियानों को सफलता से पूरा किया है। इस नदी के आर पार बंधी ये रस्सी प्रमाण है हमारे साहस का, बाधाओं के आगे हार न मानने के हमारे संकल्प का, और नागरिकों की सुरक्षा और सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का। अपने प्राकृतिक रूप में नदी नालों में बहता पानी यूं तो एक मनभावन दृश्य बनाता है, परंतु सिर्फ तभी तक जब तक बात उसे पार करने की ना हो। फिर यही जलधारा एक अनचाही बाधा बन जाती है। अविकसित और दुर्गम क्षेत्रों में नदी नाले स्वाभाविक रूप से बड़ी बाधा होते हैं, और भारी बरसात में तो नदी नाले अक्सर विकसित क्षेत्रों में भी पुलों और सड़कों को तोड़कर बाधा उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे में यदि दूसरे किनारे पर मदद की जरूरत हो तो हमें नदी नालों को पार करना ही होगा। इसके लिए हमें उनको पार करने के सुरक्षित तरीकों के बारे में मालूम होना बेहद जरूरी है। इस प्रस्तुति में हम रिवर क्रॉसिंग या नदी पार करने के सुरक्षित तरीकों के बारे में जानेंगे। यहाँ एक बात जरूर जान लें कि यदि आपके सामने का नदी नाला बाढ़ में उफन रहा है तो उस वक्त तो उसे पानी में उतर कर पार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सुरक्षा का पहला नियम तो ये कहता है कि हमें कितना भी दूर जाना पड़े तो भी गहरे पानी को हम किसी पुल से ही पार करें, मगर ये संभव न होने पर हमें अन्य विकल्पों के बारे में सोचना होगा। अक्सर नदी के किनारों पर अटका कोई लट्ठा मिल जाता है जो पानी पर उतरा सकता है, तो ऐसे में अगर कोई अच्छा तैराक हो तो लट्ठे का एक सिरा पकड़कर या उस पर बैठकर उसकी बायोएंसी का लाभ उठाकर तैरता हुआ नदी पार कर सकता है। नदी को पार करने के प्रयास में हमें यदि कोई पेड़ या लट्ठा इस तरह गिरा मिल जाए कि उसके दोनों सिरे नदी के दोनों किनारों को जोड़ रहे हों, तो ऐसे में हमें पहले ये तय कर लेना चाहिए कि वो पेड़ या लट्ठा मजबूत है। इसमें ये भी निश्चित करें कि पानी लट्ठे के ऊपर से ना गुजर रहा हो, उसके किनारे किसी मजबूत पत्थर से लगे हों। फिर उस पर पैर दोनों ओर लटका कर बैठकर खिसक खिसक कर एक एक करके नदी को पार करना चाहिए। गिरे हुए पेड़ या लट्ठे पर खड़े होकर, चलकर या पूरा समूह एक साथ कभी भी नदी पार न करें। इसको आखिरी विकल्प के तौर पर चुनें। जहां ऐसी सुविधा न मिल पाए वहां हमें नदी को पानी में चलकर पार करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके को वेडिंग कहते हैं। इसे अकेले
और समूह दोनों में किया जा सकता है। इसके लिए कुछ सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। पहले तो हमें पानी में उतरने और निकलने का स्थान तय कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि जहां से हम नदी पार करना चाह रहे हों, वहां नदी में मोड़ ना हो, नदी का पाट चौड़ा हो, पानी की गति धीमी हो और पानी जांघों से ऊंचा ना हो, पानी में कोई भंवर ना हो और उसमें झाड़ियां या टहनियां बहकर ना आ रही हों, जो कि संभावित बाढ़ का प्रतीक होता है। निकलने के स्थान के आगे भी दूर तक कोई ऐसी बाधा नहीं होनी चाहिए जिसमें बह जाने पर फंसने का खतरा हो। पानी से निकलने का स्थान भी यथासंभव समतल और बाधा रहित होना चाहिए। यदि हमें समय रहते बहाव के ऊपरी ओर के मौसम की जानकारी भी मिल जाए तो हम अचानक आई बाढ़ आदि से भी बचाव कर सकते हैं। यदि हम अकेले वेडिंग कर रहे हों और हमें कोई डंडा या टहनी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब हम पहले अपनी पैंट, कमीज, जुराबों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को अपने बैग में संभाल कर बंद कर दें ताकि वो भीगने से बचे रहे। पानी से निकलकर हमें तुरंत सूखे कपड़ों की जरूरत होगी क्योंकि पानी शरीर को बहुत तेजी से ठंडा करता है। बैग जितना भारी हो उतना ही अच्छा होगा क्योंकि वजन पानी के वेग का मुकाबला करने में मदद करेगा। बैग को हमेशा पीठ पर लटकाए रखें परंतु उसके स्ट्रैप खुले रखें ताकि पानी में बहने की दिशा में बैग को तुरंत छोड़ा जा सके। जूते पहने रहें क्योंकि उनसे हमारे पैर चोटिल होने से बचे रहेंगे और हमें नदी तल पर अच्छी पकड़ भी मिल सकेगी। पानी में उतरकर अपना मुंह बहाव की उल्टी तरफ रखें। डंडे को दोनों हाथों से अपने सामने पकड़कर नदी तल पर जमाते हुए नदी को छोटे छोटे कदमों से बहाव की ओर चलते हुए तिरछी रेखा में पार करें। दो या दो से अधिक व्यक्ति होने पर हम ग्रुप वेडिंग की विधि अपनाते हैं जिसमें यही प्रक्रिया थोड़े अंतर के साथ की जाती है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर मुंह किए एक दूसरे के बाजू या कपड़े या बैग का स्ट्रैप पकड़कर पानी में उतरें। दोनों में से शक्तिशाली व्यक्ति की पीठ बहाव की उल्टी तरफ हो। फिर पहले दूसरा व्यक्ति कदम बढ़ाए और रुके और फिर पहला व्यक्ति यही क्रिया दोहराए। इस प्रकार छोटे छोटे कदमों से पहले की तरह तिरछी रेखा में नदी पार करें। चार या अधिक व्यक्ति होने पर लाइन वेडिंग की विधि अपनाई जाती है। इसमें पहले एक शक्तिशाली व्यक्ति बहाव के उल्टी तरफ मुंह किए पानी में उतरता है, फिर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के बाजू में बाजू फंसाकर खड़ा होता है। ऐसे ही लाइन बनती चली जाती है। ये लाइन पानी की धारा के बहाव की दिशा और वेग को भी कुछ हद तक नियंत्रित कर लेती है। फिर अंतिम व्यक्ति इन सभी व्यक्तियों का सहारा लेता हुआ उनकी ओट में उनके बाजू या बैग के स्ट्रैप या कपड़े पकड़कर चलता हुआ पहले व्यक्ति का स्थान ले लेता है। इसी क्रम को दोहराते हुए सब व्यक्ति नदी से बाहर आ जाते हैं। नदी पार करने का एक अन्य तरीका तैरकर पार करना भी है, परंतु इसका प्रयोग बहुत जरूरी होने पर ही करना चाहिए। इस तरीके में पानी में उतरने और निकलने की जगह का यथासंभव सटीक चुनाव करना बहुत जरूरी है क्योंकि पानी का वेग
तैराक को दूर तक भटका सकता है। इस विधि में तैरने का फ्री स्टाइल तरीका ही कारगर होता है। एक से अधिक व्यक्ति होने पर कोशिश करें कि जोड़ा बनाकर तैरें, और ऐसे में बेहतर तैराक को बहाव की उल्टी तरफ होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वो कम अच्छे तैराक की मदद कर सके। रोप के द्वारा नदी पार करने के सुरक्षित तरीकों में पहला है लूप्ड रोप क्रॉसिंग। इस विधि में कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होती है। यहाँ रोप नदी की चौड़ाई से 3 गुना लंबी होनी चाहिए। इस विधि में 3 व्यक्ति मिलकर रोप का एक लूप बनाते हैं। अब 2 व्यक्ति एक किनारे पर एक दूसरे से थोड़ा दूर रहकर रोप को थामे रहते हैं, जबकि 3 में से सबसे तगड़ा व्यक्ति, जो गाइडमैन कहलाता है, वो रोप के एक छोर पर थंब नॉट लगाता है। उसके बाद वो छोटे छोर से उस थंब नॉट को रोप से गुजार कर और आगे रोप पर फिर थंब नॉट या सेफ्टी नॉट लगाता है। ये पूरी नॉट गाइडमैन नॉट कहलाती है। अब गाइडमैन पानी में जाएगा और बाकी 2 व्यक्ति गोलाई में रोप छोड़ते और खींचते रहते हैं, और जरूरत पड़ने पर पहले व्यक्ति को बचाने के लिए तैयार रहते हैं। नदी के दूसरे तट पर पहुंचकर पहला व्यक्ति और नदी के इस ओर खड़ा व्यक्ति रोप को थामते हैं, जबकि तीसरा व्यक्ति रोप से मिडिल मैन नॉट पहनकर नदी को पहले व्यक्ति की तरह पार करता है, और बाकी 2 व्यक्ति रस्सी को छोड़ते और खींचते रहते हैं। दूसरे व्यक्ति के पार हो जाने के बाद तीसरा व्यक्ति, जो एंडमैन कहलाएगा, रोप को शरीर से जोड़कर एंडमैन बॉडी अटैच रोप पर थंब नॉट लगाकर पानी में उतरता है, और बाकी 2 व्यक्ति रोप को खींचते हुए उसे नदी पार करने में मदद करते हैं। रोप द्वारा नदी पार करने का दूसरा तरीका एंकर मेथड है, जहां रोप इतनी लंबी ना हो और नदी के दूसरे किनारे पर भी कोई मौजूद ना हो, तो वहां नदी की परिस्थिति के अनुसार दल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति या तैराक रोप का एक सिरा लेकर पानी में चलकर या तैरकर रोप को दूसरे किनारे ले जा सकता है। ध्यान रहे कि रोप को तैरने वाले व्यक्ति के शरीर से ना बांधें, बल्कि उसकी स्ट्रैप या बेल्ट आदि से बांधें, ताकि जरूरत पड़ने पर वो रोप से खुद को अलग कर सके। दूसरे किनारे पर पहुंचकर वो व्यक्ति रोप को किसी मजबूत चट्टान या पेड़ आदि से समय कम होने पर गाइडमैन नॉट, अन्यथा क्लोव हिच से बांधकर एंकर बनाता है। दूसरे छोर पर खड़े लोग रोप को खींचकर पानी से ऊपर रखते हैं और एक एक करके रोप को पकड़कर चलते हुए नदी पार करते हैं। यदि हमें किसी दुर्गम क्षेत्र में नदी या गहरी घाटी के ऊपर से लंबे समय तक आवाजाही का काम चलाओ इंतजाम करना हो, तो बर्मा ब्रिज एक अच्छा विकल्प है। ये 4 लंबी रोप से बना एक पुल होता है, जिसे बनाने के लिए सर्वप्रथम 3 रोप निश्चित दूरी पर रखते हैं। 3 बचावकर्ताओं द्वारा रोप के प्रत्येक छोर से 1/4 रोप से क्लोव हिच नॉट लगाते हैं। बर्मा ब्रिज की लंबाई पर क्लोव हिच नॉट की संख्या निर्भर करेगी। फिर एक छोर से क्लोव हिच नॉट से 3 रोप को किसी अचल फीचर पर एंकर कर देते हैं। अब इंस्ट्रक्टर एक हाथ में रोप कॉइल थामे है और दूसरे हाथ में रोप का खुला सिरा, जिस पर एक वजन बंधा है। कॉइल और खुले सिरे के बीच भी 5 फुट रोप जमीन पर पड़ी है। अब वो रोप के वजन बंधे सिरे को 2-3 बार घुमाकर रोप को हवा में उछाल देता है, और साथ ही रोप कॉइल को दूसरे हाथ की पकड़ से छोड़ देता है। रोप हवा में लहराती हुई चली जाती है। फिर दूसरे छोर पर किसी अन्य रोप से
किसी ऑब्जेक्ट पर क्लोव हिच नॉट के माध्यम से बेस बनाते हैं। बेस बनाकर बर्मा ब्रिज की निचली वाली रोप बेस से जोड़ करके टाइट की जाती है। दोनों रोप को कैराबीनर के माध्यम से एल्पाइन बटरफ्लाई नॉट से कसा जाता है। बर्मा ब्रिज को टाइट करने के बाद उसमें बने लूप को एक बचावकर्ता द्वारा पूरे बर्मा ब्रिज पर एडजस्ट किया जाता है। चौथी रोप कैराबीनर से जुड़ी होती है। ब्रिज पार करते समय चौथी रोप का इस्तेमाल एंकर के लिए होता है, और किसी कारणवश यदि व्यक्ति बर्मा ब्रिज से स्लिप होता है तो चौथी रोप से एंकर होने के कारण नीचे नहीं गिरता। ये पुल बहुत लंबा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये तेज हवा में काफी हिलता है, पर यदि रखरखाव अच्छा है तो ये काफी सुरक्षित होता है। कभी कभी नदी, नाले या घाटी की स्थिति ऐसी होती है कि उसमें उतरना बेहद जोखिम भरा होता है। ऐसी स्थिति में फिक्स रोप से नाला पार करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है जिसे टेरोलियन टेवर सिस्टम कहते हैं। इसमें एक रोप को नदी, नाले या घाटी के एक किनारे पर किसी चट्टान या पेड़ जैसे प्राकृतिक एंकर से कस कर बांध दिया जाता है। फिर रोप का दूसरा सिरा रोप लॉन्चर से नदी के दूसरे किनारे पर भेजा जाता है और वहां भी उसे एंकर बनाकर बांध दिया जाता है। ध्यान रहे कि रोप पानी से जितना हो सके उतनी दूर और लेवल रहे। फिर पहले किनारे पर सी या जेड पुली सिस्टम द्वारा उसे कसा जाता है। रोप का तनाव बहुत ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। इस तरह थोड़ी दूर रखकर ऊपर नीचे दो रोप बांधी जाती हैं। अब नीचे वाली रोप पर एक पुली पिरोकर उसे एक अन्य रोप से जोड़ दिया जाता है जो उसे मुख्य रोप पर आगे या पीछे खिसकाने के लिए प्रयोग होती है। ये रोप भी नदी के दोनों ओर तक जाती है। अब पहले एक बचाव कर्मी को हार्नेस पहनाकर और पुली से जोड़कर नदी पर भेजा जाता है ताकि वो घायल को इस पार लाने के लिए तैयार कर सके। सुरक्षा के लिए उसे एक लॉन्ग स्लिंग और कैराबीनर द्वारा दूसरी मुख्य रोप से भी जोड़कर रखते हैं। अब पुली को वापस इस पार खींचकर एक स्ट्रेचर को पुली पर से जोड़ दिया जाता है। साथ ही स्ट्रेचर को एक लॉन्ग स्लिंग और कैराबीनर द्वारा दूसरी रोप से भी जोड़ दिया जाता है। ऐसा अतिरिक्त सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब दूसरे किनारे वाले व्यक्ति पुली से जुड़ी अतिरिक्त रोप को खींचकर स्ट्रेचर को उस पार ले आते हैं। फिर घायल को स्ट्रेचर पर अच्छी तरह बांध दिया जाता है। और पहले किनारे वाले व्यक्ति रोप को खींचते हैं और दूसरे किनारे वाले व्यक्ति उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, और इस तरह घायल को इस पार ले आया जाता है। कई बार नदी, नाले या खाई के आर पार किसी व्यक्ति द्वारा रोप ले जाने की सुविधा नहीं होती। ऐसे में यदि दूसरे किनारे पर कोई व्यक्ति हो तो रस्सी को आर पार फेंकना ही एक समाधान होता है।
ऐसे में रोप लॉन्चर का प्रयोग किया जाता है। रोप लॉन्चर का प्रयोग करते समय सर्वप्रथम जगह का चयन किया जाता है। जगह समतल होनी चाहिए। रोप लॉन्चर को सही स्थिति में रखते हुए प्रोजेक्टाइल को बैरल में डाला जाता है और ट्राइपॉड को 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। अब हवा के पाइप को रोप लॉन्चर से जोड़ा जाता है। हवा के पाइप का दूसरा छोर प्राकृतिक गैस सिलेंडर से जोड़ा जाता है। फिर प्राकृतिक गैस सिलेंडर से दबाव छोड़ा जाता है। हवा के पाइप के माध्यम से नेचुरल गैस रोप लॉन्चर तक पहुंचती है। बचावकर्ता द्वारा प्रेशर को रिलीजिंग वॉल्व से एडजस्ट किया जाता है। फिर रोप लॉन्चर से फायर या लॉन्च किया जाता है। रोप लॉन्चर से दो तरह से फायर या लॉन्च किया जाता है। एक, जमीन पर रखकर अधिकतम 80 मीटर तक। दो, कंधे पर रखकर अधिकतम 30 मीटर तक। रोप लॉन्चर के प्रयोग में ये सावधानियां रखनी चाहिए। एक, हमेशा जोड़ों में काम करें। दो, ट्राइपॉड रखने की जगह समतल हो। तीन, नाल को जांच व साफ करें। चार, प्रोजेक्टाइल शाफ्ट और ग्रैपलिंग हुक को सही से जोड़ें। पांच, सिलेंडर को व उसका प्रेशर जांच लें। छह, फायर करते समय रोप लॉन्चर के आगे ना आएं और ना किसी को आने दें। पानी के अंदर खोज एवं बचाव के लिए SDRF आवश्यकतानुसार गोताखोरों, सोनार सिस्टम और अंडरवाटर ड्रोन सिस्टम का प्रयोग करता है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग का छोटा रूप है। ये यंत्र ध्वनि तरंगों की मदद से पानी के अंदर का दृश्य बनाता है। इसे पनडुब्बी में लगाकर, ड्रोन से जोड़कर या बोट से लटकाकर इस्तेमाल किया जाता है। सोनार दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव, जो ट्रांसपोंडर का इस्तेमाल करके स्वयं ध्वनि तरंगे छोड़ता भी है और उनकी प्रतिध्वनि पकड़ता भी है, और दूसरा पैसिव, जो केवल अन्य स्रोतों द्वारा छोड़ी गई ध्वनि तरंगों को पकड़ता है। प्रतिध्वनि या ध्वनि तरंगों को पकड़कर ये यंत्र उनके पैटर्न को कंप्यूटर पर स्रोतों के प्रतिबिंब के रूप में दिखाता है। पानी के अंदर खोज के लिए ये एक कारगर तरीका है। सोनार ये एक अकेला यंत्र नहीं बल्कि एक सिस्टम है, जिसको जोड़ने के लिए बचावकर्ताओं द्वारा सबसे पहले इसे खींचने वाली केबल के टॉप साइट बॉक्स पर जोड़ा जाता है। तथा केबल का दूसरा सिरा टो फिश पर जोड़ा जाता है। फिर इथरनेट लैन की मदद से लैन का एक सिरा लैपटॉप पर तथा दूसरा सिरा टॉप साइट बॉक्स से जोड़ा जाता है। साथ ही एक बचावकर्ता टो फिश को स्थिर करने तथा पानी के अंदर डालने के लिए रोप से एंकर करता है, और फिर 12 वोल्ट की बैटरी को पावर केबल के माध्यम से टॉप साइट बॉक्स से जोड़ दिया जाता है। जहां टोफिश पानी के अंदर तैरते हुए ट्रांसड्यूसर यंत्र द्वारा ध्वनि तरंगे छोड़ने और पकड़ने का काम करती हैं, वहीं टॉप साइट बॉक्स सभी जानकारियों को प्रोसेस करता है तथा मॉनिटर पर प्राप्त प्रतिबिंब को दर्शाता है। SDRF के गोताखोर नदी, झील आदि के गहरे पानी में अपनी कार्य क्षमता के अनुसार किसी भी परिस्थिति में बेहतर काम करते हैं। पानी में गोताखोरी को स्कूबा डाइविंग कहते हैं। एक गोताखोर को पानी के अंदर रहने और काम करने के लिए जिन प्रमुख उपकरणों की जरूरत होती है, वे हैं
वेट सूट, डाइविंग मास्क, स्कूबा टैंक, बॉयंसी कॉम्पनसेटर या जैकेट, रेगुलेटर्स, फिन्स। इसके अलावा परिस्थिति और उद्देश्य के अनुसार अन्य उपकरणों की भी जरूरत हो सकती है। पानी के अंदर खोज एवं बचाव करने से पूर्व गोताखोर द्वारा अपने उपकरणों की भली भांति जांच कर उपकरणों को डाइविंग के लिए तैयार करना चाहिए। गोताखोर जोड़ों में कार्य करते हैं, जिसमें गोताखोर और साथी बचावकर्ता रोप के सिग्नल के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। यदि विक्टिम बेहोश हो तो उसे गोताखोर पानी के अंदर ही अपने उपकरणों के माध्यम से ऑक्टोपस मेथड से विक्टिम ऑक्सीजन या सांस दे सकता है। अंडरवाटर ड्रोन या अंडरवाटर अनमैन्ड व्हीकल पानी के अंदर अपनी शक्ति से स्वतंत्र घूमने वाला उपकरण है, जिसकी दिशा को दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें प्रकाश और कैमरे की व्यवस्था होती है और ये पानी के अंदर के चित्र लेकर ऊपर भी भेज सकता है, जिससे खोज और बचाव कार्य में मदद मिलती है। ड्रोन को उद्देश्य और आवश्यकता के अनुसार उपकरणों से लैस किया जा सकता है। गहरे पानी में और खतरनाक परिस्थितियों में ये खोज एवं बचाव में बहुत सहायक होते हैं। नदी में डूबने की स्थिति में अधिकांश पीड़ितों का मुंह नीचे की ओर पाया जाता है। ऐसे में बचावकर्ता को चलकर या तैरकर पीड़ित के पास पहुंचना चाहिए, फिर अपनी रेस्क्यू ट्यूब को स्वतंत्र छोड़कर अपने दोनों हाथ पीड़ित के कंधों के नीचे से डालकर उसका सिर थाम लें और पीड़ित को घुमाकर उसका मुंह ऊपर की ओर करते हुए पानी की सतह से ऊपर आ जाएं। ऐसा करने पर बचावकर्ता और पीड़ित दोनों का मुंह पानी के बाहर रहेगा और पीड़ित की श्वास नली खुली रहेगी। ध्यान रखें कि पीड़ित के पास कभी भी सामने से न जाएं, क्योंकि जरा भी होश आने पर वो बचावकर्ता को पकड़ने की कोशिश करेगा और ऐसे में दोनों के डूबने का खतरा हो जाएगा। फिर उसको पानी के किनारे सुरक्षित जगह पर ले आएं। ज्ञात गहराई और स्थिति वाले पानी में प्रवेश करने का एक तरीका शैलो डाइविंग है, जिसमें आप बहुत कम ऊंचाई से पानी में सिर के बल प्रवेश करते हैं। ऐसे में अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर सामने, दोनों हथेलियां खुली और ऊपर की ओर शरीर कमान की तरह और ऊपर की ओर मुड़ा हुआ होना चाहिए। इससे आप शीघ्र पानी के ऊपर आ जाते हैं, परंतु बाढ़ बचाव कार्यों में इस तरीके को उपयुक्त नहीं माना जाता, बल्कि शरीर को धीरे से सर ऊपर रखते हुए पानी में छोड़ देना बेहतर होता है। अनजान परिस्थितियों में बाढ़ बचाव कार्यों में 2 मीटर से अधिक गहरे पानी में 2 तरह से प्रवेश करना उपयुक्त माना जाता है। पहला है स्ट्राइड जंप, जिसमें हम दोनों हाथों को सीने पर बांधकर, यदि हो सके तो दाएं हाथ से नाक बंद करके 4 फीट या अधिक ऊंचाई से पैर के बल पानी में प्रवेश करते हैं। दूसरे तरीके में हम दोनों बाजू फैलाकर और एक पैर को ऊंचा उठाकर कम ऊंचाई से पैरों की तरफ से ही पानी में प्रवेश करते हैं। हाल के दिनों में एडवेंचर स्पोर्ट का प्रचलन काफी बढ़ गया है और राफ्टिंग इनमें से एक है। हालांकि ये स्पोर्ट काफी हद तक सुरक्षित है,
तो भी कुछ खतरे इसमें आम हैं, जिसके लिए ये सावधानियां बरतना जरूरी है। एक, ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए, जिसमें हेलमेट, लाइफ जैकेट और बूट आदि शामिल हैं। दो, राफ्टिंग करने से पूर्व गाइड द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से सुने। तीन, यदि राफ्ट पलट जाए तो गाइड द्वारा दी गई कमांड को सुने और उसके अनुसार कार्य करें। चार, राफ्ट पलटने फ्लिप होने पर अपने पैडल व बो लाइन रोप को ना छोड़ें। पांच, यदि कोई व्यक्ति राफ्ट पलटने पर राफ्ट के नीचे फंस जाए तो घबराएं नहीं, और साथ ही बचावकर्ता राफ्ट को सीधा या रीफ्लिप करने की कोशिश करें और उसे राफ्ट के नीचे से बाहर निकालने की कोशिश करें। पानी के एडवेंचर स्पोर्ट के लिए आजकल कायाक नाम की बोट भी इस्तेमाल होती है। कायाक एक हल्की और छोटी बोट है, जिस पर एक या दो आदमी बैठकर डबल पैडल वाले चप्पू से उसे खेते हैं। आधुनिक कायाक ऐसे बनाई जाती है जिससे उसके अंदर पानी नहीं जाता। कायाक की अधिकांश दुर्घटनाएं उसके पलटने से होती हैं। ऐसे में एस्किमो रोल तकनीक से उनको फिर से सीधा किया जा सकता है। इसके लिए कायाकर अपने शरीर को पानी की सतह की तरफ मोड़ता है और फिर चप्पू से पानी को नीचे की ओर धकेलते हुए पानी के बाहर आ जाता है।